हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक ने मतदान किया और रमेश पोखरियाल निशंक अपनी बेटी के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड में 500 सीट जीतने और देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया है। रमेश पोखरियाल निशंक से हमारे संवाददाता प्रियांक वशिष्ठ ने खास बातचीत की है, सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। हरिद्वार से भाजपा के प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक हमारे साथ मौजूद है। सर, मतदान शुरू हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं? अच्छा देख रहे हैं, आप देख रहे हैं 6 बजे से लोग सब खड़े हैं, लोगों में उत्साह है, उमंग है, उल्लास है और लोग बड़ी संख्या में मतदान के लिए घर से सुबह निकले हुए हैं और 6 बजे से यहाँ कतार लगा करके खड़े नीचे। लगातार पिछले दिनों हमने देखा कि बहुत तीव्र गति से प्रचार चल रहा था हरिद्वार, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्र है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस बार जो पिछली बार छूट गई थी? अगर विकास तो एक अनवरत प्रक्रिया है, लेकिन मैंने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। 50 साल में हरिद्वार लोकसभा में जो नहीं हो सका था विकास का काम उतना किया है, कई प्रकार के रिकॉर्ड तोड़े हैं हमने और इसीलिए हरिद्वार की जनता मुझे प्यार करती है। उत्तराखंड से कितनी सीटें और पूरे देश से कितनी सीटें? उत्तराखंड से 5 की 5 और देश में तो 400 पार, अब की बात 400 पार। तो उत्तराखंड के पूर्व सीएम और हरिद्वार से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी रमेश पोखरियाल निशंक का ये कहना है कि उत्तराखंड से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज करेगी और जो विकास की बयार है उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल भी वो हरिद्वार से सीटिंग सांसद रहे हैं। अपने सहयोगी हर्ष उनियाल के साथ में प्रियांक, वशिष्ठ, इंडिया वॉइस, देहरादून।